गाइस यूके का गोल्डन वीजा फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप इंडिया से हो यूके आने का ड्रीम रखते हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे क्या है ये वीजा, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूके आ सकते हैं, क्योंकि इस वीजा के अंडर आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है और आप यूके आके जॉब कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो किसी भी कोर्स के लिए, और इवन दो अपना बिजनेस तक सेटअप कर सकते हो। वीडियो पूरी डिटेल में बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया, इस वीजा को बोलते हैं इंडिया यूथ प्रोफेशनल स्कीम वीजा, जिसमें 3000 एप्लीकेंट हर साल इंडिया से यूके आ सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं बिना किसी स्पॉन्सरशिप के। तो इस वीजा के अंदर आप यूके में 2 साल तक के लिए रह सकते हो बिना किसी स्पॉन्सरशिप के और कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर आप इस वीजा के थ्रू यूके आके पढ़ना चाहते हो एज ए स्टूडेंट, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी एकोमोडेशन बुक करना। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं एम्बर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप अपने घर बैठे बैठे ही ये एकोमोडेशन अपनी यूनिवर्सिटीज के पास बुक कर सकते हो। ये बहुत ही सिक्योर होती है और इंस्टेंटली बुक कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी पड़ती। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी आपको इससे कम प्राइस में पड़ सकती है, तो ये आपको प्राइस मैच की गारंटी देते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप सीधा बोलाइए कि ये प्रॉपर्टी मुझे इससे कम रेट में मिल रही है, वो उसकी प्राइस को मैच कर देंगे। ये बहुत ही सिक्योर है, ये प्रॉपर एक स्टूडेंट एकोमोडेशन होता है जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हो, उनसे नेटवर्किंग करते हो, क्योंकि एट द एंड जब आप यूके में आते हो आपको जॉब लेनी होती है, कोई भी काम करना होता है, तो आपके लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपना नेटवर्क बनाओगे अच्छा सा, तो हो सकता है आगे जाके आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट यूके में आ रहे हो और अभी तक अपनी एकोमोडेशन बुक नहीं करी है, तो एम्बर स्टूडेंट की साइट पर जाइए और अपनी एकोमोडेशन सर्च करिए। मोर देन 250 सिटीज में इनकी एकोमोडेशन है, नॉट इवन यूके, मल्टीपल कंट्रीज में इनकी एकोमोडेशन है। तो अगर आप किसी भी कंट्री जाना चाहते हो तो इनकी साइट पर जाके अपनी स्टूडेंट एकोमोडेशन बुक कर सकते हो। अब कंटिन्यू करते हैं इस वीजा के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसमें 3000 एप्लीकेंट इंडिया से यूके आ सकते हैं। तो अब इनका सिलेक्शन कैसे होता है? इनका सिलेक्शन होता है बैलेट से। बेसिकली आपको बैलेट में एंटर करना होता है और अगर आप बैलेट में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप यूके आ सकते हो इस वीजा को अप्लाई करके। अब ये बैलेट 2 स्टेज में होता है, बैलेट नंबर 1 एंड बैलेट नंबर 2। जो इसका बैलेट नंबर 1 था वो ईयर के स्टार्टिंग अराउंड फरवरी में हो चुका है, जहां पे अराउंड 2400 एलिजिबल जो एप्लीकेंट्स थे उनका सिलेक्शन हो गया, उनको बोला गया कि आप वीजा के लिए अप्लाई करिए, और उन कुछ लोग उसमें से यूके आ भी चुके हैं। और अब बाकी जो बच गए 600, और हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, क्योंकि कभी कभार होता है कि कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं बट बैलेट में अप्लाई कर देते हैं बट वीजा के लिए अप्लाई नहीं करते, तो सीटें रह जाती हैं। बट मोर देन 600 जो सीट्स हैं अभी भी एलिजिबल हैं। इसका बैलेट अब स्टार्ट होने वाला है इस ईयर में, जल्दी स्टार्ट होगा, मे बी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाए जुलाई में, क्योंकि लास्ट ईयर भी इनका जो फर्स्ट बैलेट था फरवरी में था और सेकंड बैलेट जुलाई में था। तो अगर आप इस वीजा में इंटरेस्टेड हो तो हो सकता है जुलाई में इसका बैलेट 2 स्टार्ट हो। तो आप इसकी प्रिपरेशन अगर अभी से कर लोगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको अरेंज करके रखनी है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इस वीजा के लिए अप्लाई करना। तो ये बात हो गई इसके प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप इस वीजा के लिए अप्लाई करोगे। आपको बैलेट में एंटर करना है, अगर आप बैलेट में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक इनविटेशन आएगा सक्सेसफुल का, और उसको इनविटेशन को लेके आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको बैलेट में एंटर करना है उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है डिटेल। अगर आपको ऑनलाइन बैलेट में कैसे एंटर करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा कि आप बैलेट में कैसे एंटर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो इस वीजा के लिए आप एलिजिबल हो। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए एंड आपकी एज 30+ नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो। विच मीन्स अगर आपकी एज 30 भी है, उस वीजा को अप्लाई करते टाइम अगर आपकी एज 30 क्रॉस नहीं हुई है, बेसिकली 31 नहीं हुई है, तो भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास एक लिमिटेशन ही होती है कि आपकी शादी तो हो सकती है बट आपका कोई भी चाइल्ड नहीं हो सकता। अगर आप पे कोई भी चिल्ड्रन है जो फाइनेंशियल डिपेंडेंट होता है आपके ऊपर, तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अगर आप एज ए बैचलर हो या आपकी सिर्फ शादी हुई है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यह है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि इक्विवेलेंट होता है यहाँ के जो यूके के जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है 6-7+ या इससे ऊपर कोई भी हो। बेसिकली 6+ फ्रेमवर्क से अगर आपकी एजुकेशन होती है या आपने अपनी कंट्री या इंडिया में आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, बैचलर डिग्री करी हुई है, तो आप इस वीजा के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आपको थोड़ा सा फंड अपने अकाउंट में दिखाना होता है, अराउंड 2500, वो आपको अपने अकाउंट में दिखाना पड़ता है 28 डेज के लिए, ताकि आप ये शो कर पाओ कि आप यूके में आके इनिशियली अपने आप के लिए सर्वाइव कर पाओगे 1 महीने के लिए। उसके बाद ऑब्वियसली आपको जॉब मिल जाएगी, आप कुछ भी करना चाहते हो आप अपने आप को मैनेज कर लोगे, बट स्टार्टिंग के 1 मंथ के लिए
आपने आपको ये प्रूफ दिखाना होगा कि आपके पास सफिशियंट फंड है। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मैंने आपको बता दिया इससे पहले कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने बताया कि बैलेट टूर बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये जुलाई में स्टार्ट हुआ था। बहुत ही क्विक होता है, बहुत सारे लोग इंडिया से अप्लाई करते हैं, तो बैलेट प्रोसेस में आपको अप्लाई जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए ताकि आपकी डेडलाइन मिस ना हो, क्योंकि ये बैलेट सिर्फ 2 दिन के लिए ओपन होता है। अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस बैलेट में इस साल एंटर लेना, और आपको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, पहला तो आपका फॉर्मेट होगा आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपका पासपोर्ट रिसेंटली एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको रिन्यू करा लीजिए ताकि आपका पासपोर्ट वैलिड हो। दूसरा, आपको एक टीवी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप यूके में मोर देन 6 मंथ्स के लिए आके रहने वाले हो तो आपको टीवी टेस्ट मैंडेटरी होता है। तो सिंस ये वीजा 2 साल के लिए वैलिड होगा तो आपके पास टीवी टेस्ट होना मैंडेटरी है। तीसरा होता है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको तब लेना होगा जब आप इस वीजा के लिए अप्लाई करोगे। आपको बैलेट में एंटर करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको बैलेट में एंटर करने के लिए सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपना इंटरेस्ट शो करना है। जब आप बैलेट में सक्सेसफुल हो जाते हो और जब आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाता है कि यू आर सक्सेसफुल, उसके बाद ही आपको ये डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होता है। एंड देन ऑब्वियसली इसके बाद आएगा आपके पास जो प्रूफ ऑफ फंड, जो भी आपने बताया अराउंड 2500 जो अराउंड आपके अकाउंट में होना चाहिए पाउंड्स में, वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो भी 28 डेज के लिए होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 28 डेज के अंदर ही दिखाना पड़ता है। जब आपके पास बैलेट में सक्सेसफुल हो जाते हो आपको 90 डेज का टाइम मिलता है इस वीजा को अप्लाई करने के लिए, विच मीन्स अगर आप बैलेट में आज सक्सेसफुल होते हो आप अपने अकाउंट में पैसा आज रख के 1 महीने वेट कर सकते हो और उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई करिए ताकि आपका जो फंड प्रूफ है वो 28 डेज के लिए वैलिड हो जाए। पहले स्टार्टिंग में क्या था कि आपको विद इन 30 डेज के लिए अंदर ही अप्लाई करना पड़ता था, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट लोग अपना फंड प्रूफ नहीं कर पाते थे। तो अब बहुत ईजी पार्ट है कि आप बैलेट में एंटर कर दीजिए, इवन तो आपके पास फंड है भी नहीं, आप बैलेट में अप्लाई कर दीजिए। अगर आप बैलेट में सक्सेसफुल हो जाते हो, सक्सेस का मेल आ जाता है, फिर आप फंड अरेंज कर दीजिए, 1 महीना वेट करिए, उसके बाद वीजा के लिए अप्लाई करिए। इसके साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपना ग्रेजुएशन का, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी है, अगर आपने अभी तक आपको डिग्री नहीं मिली है, तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना मैंडेटरी है। तो गाइस हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या इसका प्रोसेस होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर आपको इसके बैलेट प्रोसेस में एंटर करना है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत ही हेक्टिक होता है उसको अप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है बैलेट में एंटर करने के लिए। तो आप ध्यान रखिए, उस वीडियो को जाकर डेफिनेटली एक बार चेकआउट करिए कि आपको बैलेट में कैसे एंटर करना है, क्या क्या डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ताकि आपको बैलेट में एंटर करना, अगर आपने वीडियो ऑलरेडी देखी हुई होगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो कि इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं, यूके आना चाहते हैं, हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। और ये बैलेट जैसे कि मैंने बताया ये पूरा का पूरा लक बेस्ड है, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम में जाता है, बैलेट में जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है आप डेफिनेटली इस वीजा में अप्लाई करके यूके आ जाओगे और कोई भी काम कर सकते हो, पढ़ाई करना चाहते हो पढ़ाई कर सकते हो, जॉब कर सकते हो या अपना बिजनेस तक सेटअप कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, एंड हमको कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या आपके पास कोई सजेशन है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ट्राई करेंगे आपकी जल्दी से जल्दी हेल्प करने का। सो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन टेक केयर, बाय।